सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोज सुबह हम 15-20 मिनट निकालकर पहले अपने मन की तैयारी करें कि आज सारा दिन मेरा दिन कैसा बीतेगा, नॉट डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस कौन सी आएंगी, लेकिन डिपेंडेंट ऑन हु आई विल बी। हम ये तो देखते हैं आज सारा दिन क्या क्या करना है, लेकिन हम ये तैयारी नहीं करते आज सारा दिन कैसे मुझे रहना है, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन मीन्स प्रिपेयर करना सुबह, मुझे आज कैसे रहना है, और हर कर्म ऐसा करना है जो हमको दुआएं मिले। कलयुग थोड़ा सा क्यों कलयुग बन गया, क्योंकि हमने दुआएं कमाने के बजाय सिर्फ धन कमाने पे फोकस किया। धन कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन धन से तो सिर्फ सामान आएगा ना, दुआओं से क्या आएगा? दुआओं से क्या आएगा? धन से क्या आएगा और दुआओं से क्या आएगा? धन से सामान आएगा, दुआओं से क्या आएगा? जो चीजें दिखती हैं वो धन से आएंगी, जो चीजें दिखती नहीं हैं वो दुआओं से आएंगी, क्योंकि दुआएं भी दिखती नहीं हैं। तो वो एनर्जी है, एनर्जी से एनर्जी आएगी, मनी से फिजिकल चीजें आएंगी। सारा दिन धन कमाते हुए साथ में एक चीज ध्यान रखनी है, मुझे दुआएं भी कमानी है सारा दिन। जीवन में जब भी कोई बात आती है, कोई विघ्न आता है, उसके लिए हमारे पास पैसे होना ज़रूरी होते हैं, सिचुएशन को क्रॉस करने के लिए, होते हैं कि नहीं होते? कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए कल, पैसे हैं, लेकिन वो मेडिकल इमरजेंसी ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ठीक हो जाए अगर दुआएं जमा नहीं होंगी साथ में। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो दो बैंक बैलेंस, एक धन का और एक दूसरा दुआओं का। इतनी दुआएं जमा हो, इतनी दुआएं जमा हो कि अगर जीवन में चलते फिरते कोई विघ्न आ भी जाए तो हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत सारी दुआएं जमा हैं। दुआएं कैसे जमा करेंगे? दुआएं जमा कैसे करेंगे? जब हम सारा दिन सबको सुख देंगे, जब हम सारा दिन सबके लिए सही सोचेंगे एंड सही, नॉट डिपेंडेंट ऑन वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो दुआ मतलब मेरे यहाँ से निकलती हुई हर थॉट राइट थॉट है, हाईएस्ट थॉट है, प्योरेस्ट थॉट है, आशीर्वाद है। तो जब हमारे मन से उनके लिए दुआएं जाएंगी तो हमारी दुआएं जमा हो जाएंगी। सामने वाला दुआ का ऑपोजिट भी दे दे तो भी वो हमारे बैंक बैलेंस में जमा नहीं होगा, वो किसके बैलेंस में जमा होगा? वो उनके। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। आजकल कई बार हम कहते हैं किसी की नज़र लग गई इसलिए मेरा काम बिगड़ गया। किसी और की नज़र से हमारा काम नहीं बिगड़ सकता, उनकी नज़र से उनका ही काम बिगड़ सकता है सिर्फ, क्योंकि मेरी सोच मेरा भाग्य लिखेगी, लेकिन हमारा काम किसकी नज़र से बिगड़ेगा और हमारा काम किसकी नज़र से ठीक हो जाएगा? हमारा। तो अपनी वोकैबुलरी को चेंज करना है, किसी की नज़र ना लग जाए, कोई मेरे लिए गलत सोच रहा है, ये चेंज करके बोलो मेरे पास बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत लोग मुझे बहुत दुआएं देते हैं।